गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 25 यूज ऑफ मॉडल्स में 21 टू 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम 21 टू 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो बच्चों आप जानते हैं कि हम वर्कशीट 25 में 1 टू 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज हम क्या करेंगे? आज हम 21 टू 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 21 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? तुम्हें होटल के अंदर मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। क्या है? तुम्हें होटल के अंदर मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा बताइए आप मुझे? तुम्हें नहीं चाहिए, यू शुड नॉट। तुम्हें नहीं चाहिए, यू शुड नॉट। क्या नहीं चाहिए? पकड़ना। तो पकड़ने की क्या होती है बच्चों? होल्ड। तो यू शुड नॉट होल्ड मतलब तुम्हें पकड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं पकड़ना चाहिए? मेरा हाथ। तो यू शुड नॉट होल्ड माय हैंड। कहां पर? होटल के अंदर। तो इनसाइड द होटल। तो क्या बना बच्चों? यू शुड नॉट होल्ड माई हैंड इनसाइड द होटल। क्या बना बच्चों बताइए आप मुझे? यू शुड नॉट होल्ड माई हैंड इनसाइड द होटल मतलब तुम्हें होटल के अंदर मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। यू शुड नॉट होल्ड माई हैंड इनसाइड द होटल। समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 22 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए, तो जो हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? 22 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? सार्थक नाप बनाने के लिए कागज को नहीं मोड़ सकता है। तो सार्थक कैन नॉट फोल्ड मतलब सार्थक नहीं मोड़ सकता है। तो सार्थक कैन नॉट फोल्ड। अब क्या नहीं मोड़ सकता है? कागज। तो सार्थक कैन नॉट फोल्ड द पेपर किसके लिए? नाव बनाने के लिए। तो क्या आएगा बच्चों? टू मेक अ बोट। ठीक है, तो क्या हुआ? सार्थक कैन नॉट फोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट मतलब क्या हुआ? सार्थक कैन नॉट फोल्ड द पेपर टू मेक बोट। ठीक है, सार्थक कैन नॉट फोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट मतलब सार्थक नाव बनाने के लिए कागज को नहीं मोड़ सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 23 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? मछुआरा मछली को जाल में नहीं फंसा सकता था। मछुआरा मछली को जाल में नहीं फंसा सकता था। तो बच्चों यहाँ पर आपकी कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी बताइए आप? कुड, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट में बोल रहे हैं, उसके अंदर एबिलिटी थी पर वो फंसा नहीं सकता था। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं बच्चों बोलिए? तो इसमें आपकी कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? कुड। ठीक है, तो क्या हुआ? मछुआरा मतलब फिशरमैन। मछुआरा मतलब क्या हुआ बच्चों? फिशरमैन। फिशरमैन कुड नॉट, फिशरमैन कुड नॉट। अब फंसाने की क्या होती है बच्चों? हुक। तो फिशरमैन कुड नॉट हुक मतलब मछुआरा नहीं फंसा सकता था। किसको बच्चों? मछली को। तो क्या आएगा? फिशरमैन कुड नॉट हुक द फिश। फिशरमैन कुड नॉट हुक द फिश किसमें? जाल में। तो क्या हुआ? इन नेट। क्या हुआ बच्चों पूरा सेंटेंस? फिशरमैन कुड नॉट हुक द फिश इन द नेट। क्या हुआ? फिशरमैन कुड नॉट हुक द फिश इन द नेट मतलब मछुआरा मछली को जाल में नहीं फंसा सकता था। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो 24 नंबर पर जो आपका सेंटेंस है वो क्या है? मुझे इस सामाजिक मुद्दे को निपटाना चाहिए। मुझे इस सामाजिक मुद्दे को निपटाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपकी कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी? चाहिए। तो बताइए कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी? शुड। ठीक है,
तो आई शुड, ठीक है। अब निपटाने की क्या होती है, हैंडल, तो आई शुड हैंडल मतलब मुझे निपटाना चाहिए, आई शुड हैंडल, ठीक है। इस सामाजिक मुद्दे को, तो दिस सोशल इशू क्या हो गया, दिस सोशल इशू, तो बच्चों क्या हुआ बताइए आप, आई शुड हैंडल दिस सोशल इशू। इशू की स्पेलिंग क्या होती है बताइए आप मुझे, आई डबल एस यू ई इशू, ठीक है, आई डबल एस यू ई इशू, ठीक है। तो क्या सेंटेंस हुआ बताइए, आई शुड हैंडल दिस सोशल इशू, आई शुड हैंडल दिस सोशल इशू मतलब मुझे इस सामाजिक मुद्दे को निपटाना चाहिए, आई शुड हैंडल दिस सोशल इशू, ओके। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, तो 25 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, सीमा मेहमानों के लिए स्वादिष्ट चिप्स भून सकती थी, सीमा मेहमानों के लिए स्वादिष्ट चिप्स भून सकती थी, तो बच्चों सीमा भून सकती थी तो क्या आएगा बताइए, सीमा कुड, ठीक है, भूनने की क्या होती है फ्राई, तो सीमा कुड फ्राई, सीमा भून सकती थी, क्या भून सकती थी बच्चों, स्वादिष्ट चिप्स, तो टेस्टी चिप्स, ठीक है, तो सीमा कुड फ्राई टेस्टी चिप्स किसके लिए, मेहमानों के लिए, तो फॉर द गेस्ट, तो क्या हुआ, सीमा कुड फ्राई टेस्टी चिप्स फॉर द गेस्ट, फिर से बोलिए, सीमा कुड फ्राई टेस्टी चिप्स फॉर गेस्ट, या फिर फॉर द गेस्ट आप दोनों ही कर सकते हो, तो क्या बना, सीमा मेहमानों के लिए स्वादिष्ट चिप्स भून सकती थी, सीमा कुड फ्राई टेस्टी चिप्स फॉर द गेस्ट, ओके। तो 25 नंबर का सेंटेंस क्या हुआ, सीमा कुड फ्राई टेस्टी चिप्स फॉर द गेस्ट मतलब सीमा मेहमानों के लिए स्वादिष्ट चिप्स भून सकती थी, तो बच्चों आपको 25 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, तो 26 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, तो 26 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, क्या राजू अपने पिता के साथ खेत में फसल काट सकता है, क्या राजू अपने पिता के साथ खेत में फसल काट सकता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब जो है हमारी वो सबसे आगे आ जाएगी, तो इस सेंटेंस में जो हमारी मॉडल वर्ब लगेगी वो क्या है, कैन, तो कैन जो है वो कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राजू, तो कैन राजू, अब फसल काटने की क्या होती है, हार्वेस्ट, तो फसल की क्रॉप, तो क्या हुआ, कैन राजू हार्वेस्ट द क्रॉप मतलब क्या राजू फसल काट सकता है, कैन राजू हार्वेस्ट द क्रॉप कहाँ पर, खेत में, तो इन फील्ड, तो क्या हुआ बच्चों, कैन राजू हार्वेस्ट द क्रॉप इन फील्ड किसके साथ, अपने पिता के साथ, तो क्या आएगा, विद हिज फादर, तो क्या बना बच्चों बोलिए, कैन राजू हार्वेस्ट द क्रॉप इन फील्ड विद हिज फादर, क्या हुआ बच्चों, कैन राजू हार्वेस्ट द क्रॉप इन फील्ड विथ हिज फादर मतलब क्या राजू अपने पिता के साथ खेत में फसल काट सकता है। चलिए तो आपको 26 नंबर का सेंटेंस समझ आया, अब हम 27 नंबर का सेंटेंस देखते हैं, तो 27 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, वह खेलने के लिए सुबह जल्दी उठ सकता है, वह खेलने के लिए जल्दी उठ सकता है, तो बच्चों सबसे पहले कैन फिर ही, कैन ही, अब उठने की क्या होती है, वेकअप, ठीक है, जल्दी अर्ली सुबह इन द मॉर्निंग, खेलने के लिए टू प्ले, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैन ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्ले मतलब क्या वह खेलने के लिए जल्दी उठ सकता है, कैन ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्ले, क्या बना बच्चों, कैन ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्ले मतलब क्या वह खेलने के लिए
सुबह जल्दी उठ सकता है, तो क्या हुआ, क्या वह, कैन ही उठ सकता है, वेक अप, जल्दी अर्ली, सुबह इन द मॉर्निंग, खेलने के लिए टू प्ले, तो कैन ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्ले, क्या हुआ, कैन ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्ले, मतलब क्या वह खेलने के लिए जल्दी उठ सकता है। चलिए तो बच्चों आपको 27 नंबर का सेंटेंस समझ आया, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 28 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, क्या सिखा इस पेंटिंग को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्या सिखा इस पेंटिंग को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो बच्चों क्या सिखा, कैन सिखा, कर सकती है, डू, कैन सिखा, डू, मतलब क्या सिखा, कर सकती है, कैन सिखा, डू, कुछ भी, एनीथिंग, कैन सिखा, डू एनीथिंग, मतलब क्या सिखा कुछ भी कर सकती है, कैन सिखा, डू एनीथिंग, प्राप्त करने के लिए, टू अचीव इस पेंटिंग को, तो दिस पेंटिंग, तो क्या हुआ बच्चों, कैन सिखा डू एनीथिंग टू अचीव दिस पेंटिंग, मतलब क्या सिखा इस पेंटिंग को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्या बनेगा बच्चों बताइए, कैन सिखा डू एनीथिंग टू अचीव दिस पेंटिंग, क्या बनेगा, कैन सिखा डू एनीथिंग टू अचीव दिस पेंटिंग, मतलब क्या सिखा इस पेंटिंग को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कैन सिखा डू एनीथिंग टू अचीव दिस पेंटिंग, ठीक है, मतलब क्या सिखा इस पेंटिंग को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो बच्चों आपको 28 नंबर का सेंटेंस समझ आया, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 29 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, देखिए, क्या तुम इस कार की गति को कम कर सकते हो, क्या तुम इस कार की गति को कम कर सकते हो, क्या हुआ बच्चों, क्या तुम इस कार की गति को कम कर सकते हो, तो क्या बनेगा बताइए, क्या तुम, कैन यू, क्या तुम, कैन यू, ठीक है, कम कर सकते हो, तो स्लो डाउन द स्पीड, तो स्लो डाउन द स्पीड, तो मतलब क्या हुआ, क्या तुम गति को कम कर सकते हो, कैन यू स्लो डाउन द स्पीड इस कार की, ऑफ दिस कार, तो क्या बना बच्चों, कैन यू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ दिस कार, क्या होगा बच्चों, कैन यू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ दिस कार, ठीक है, क्या बनेगा बच्चों, क्या तुम इस कार की गति को कम कर सकते हो, कैन यू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ दिस कार, उसके बाद आपको याद पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क लगाना है हमको, ओके, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए नहीं इसलिए, तो क्या हुआ, कैन यू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ दिस कार, क्या तुम इस कार की गति को कम कर सकते हो। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 30 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, क्या वह 2 बजे तक हवाई अड्डा पहुंच सकता है, क्या वह 2 बजे तक हवाई अड्डा पहुंच सकता है, तो क्या वह, कैन ही पहुंच सकता है, रीच, कैन ही रीच, कहां, हवाई अड्डा, तो कैन ही रीच एयरपोर्ट, कैन ही रीच एयरपोर्ट, मतलब क्या वह हवाई अड्डा पहुंच सकता है, कैन ही रीच एयरपोर्ट 2 बजे तक, तो बाय 2 o'clock, क्या हो गया बच्चों, कैन ही रीच एयरपोर्ट बाय 2 o'clock, मतलब क्या वह 2 बजे तक हवाई अड्डा पहुंच सकता है, तो क्या बनेगा बच्चों, कैन ही रीच एयरपोर्ट बाय 2 o'clock, कैन ही रीच एयरपोर्ट बाय 2 o'clock, मतलब क्या वह 2 बजे तक हवाई अड्डा पहुंच सकता है। तो बच्चों आपको वर्कशीट 25 के 21-30 सेंटेंसेस समझ आए, बताइए क्या आपको वर्कशीट 25 के 21-30 सेंटेंसेस समझ आए, बताइए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 25 के 21-30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है,
आज आपको होमवर्क में 21 to 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फिर नोटबुक में करने हैं। कौन सी वर्कशीट के? वर्कशीट 25 के। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 25 के 21 to 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फिर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।